Hello, children. How are you? I hope you all are doing well and having a lovely time and studying well and being kind to each other. Okay, now, children, we are going to look at this chapter. The name of this chapter is Together We Shine. So, this chapter will tell us about how there is strength in unity. Unity is strength, how together as one we can shine. Okay the prologue says the festive season is the most joyous time of the year for everyone we belong to a country which is the land of festivals and celebrations every festival has its own significance growing kids should be taught the true meaning of rituals cultures and devotions to festival children can make strong bonds and they can learn the importance of togetherness so but Joe, we belong to a country we belong to india you know इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री इंडिया में अलग अलग किस्म के लोग हैं हमारा कल्चर बहुत वास्ट है बहुत बड़ा है हम अलग आपको पता है हमारे कंट्री में अलग अलग टाइप के रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं फेस्टिवल्स होते हैं बहुत सारे पूरे साल कोई ना कोई फेस्टिवल चलता ही रहता है और कितना मज़ा आता है तो बच्चों इस चैप्टर में हम इसी सब चीज़ों के बारे में सुनेंगे और पढ़ेंगे भी ओके सो लेट्स वार्म अप फेस्टिवल्स गिव अ मैसेज दैट शेयरिंग इज केयरिंग टू यू अग्री विच इज यो बच्चों जब फेस्टिवल्स आते हैं उसमें क्या होता है हम एक दूसरे को मिलते हैं कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं हमें गिफ्ट मिलते हैं तो मजा तो बहुत आता है फेस्टिवल्स में तो यही बात इस चैप्टर में है कि इट इज ऑल अबाउट शेयरिंग एंड कैरिंग ओके सो लेट्स रीड दिस चैप्टर नाउ मीरा Kiran and Isha were returning home from the school. Isha looked sad. What happened, Isha? Why do you look so sad? asked Mira. Everyone has been talking about Rakshabandhan in the school, replied Isha. Why does that make you sad? asked Kiran. Because I don't have a brother to celebrate Rakshabandhan, said Isha. Mira and Kiran didn't know what to say. वेन दे रीच होम दिस सॉ दैट मदर वज इपेरिंग फॉर द फेस्टिवल सो यहाँ पे तीन दोस्त होते हैं मीरा किरण और ईशा ओके okay? तो वो जैसे ही स्कूल से घर जाते हैं तब वो देखते कि ईशा बहुत सैड हो गई है तो मीरा और किरण उससे पूछे कि क्या हुआ ईशा तुम इतनी सैड क्यों हो हुआ क्या है तो ईशा कहती है कि रक्षाबंधन आ रहा है और मेरा कोई भाई नहीं है तो इस वजह से हम बहुत सैड है अब उसके दोस्तों को तो पता नहीं होता है कि क्या बोले क्या जवाब दे उसे तो जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि मम्मी तो सारी तैयारियां करने में लगी है ओके तो उसमें से मीरा जो होती है वो अपनी मम्मी से पूछती है माँ इज इट पॉसिबल टू सेलिब्रेट रक्षाबंधन विदाउट अ ब्रदर आस्ट मीरा वाई डू यू आस्क आस्ट माँ ओके तो मीरा पूछती है कि क्या भाई के बिना भी रक्षाबंधन सेलिब्रेट हो सकता है तो मम्मी कहती है कि क्या हो गया बताओ तो नाउ लेट मी सी हाउ मच यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर ओके वॉट डिड मीरा नोटिस कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल वॉट वॉज एवरी वन टॉकिंग अबाउट एंड वॉट वॉज द मदर डूइंग वन चिल्ड्रन रिटर्न फ्रॉम स्कूल ओके सो आपको बताना है कि इस Uh, कहानी में सो so फार हमने क्या डिस्कस किया है क्या नोटिस किया मीरा ने किरण ने और किस चीज के बारे में बात हो रही है और मम्मी क्या कर रही है आपको ये सब चीजों का जवाब देना है तभी तो आपको चैप्टर समझाए समझ में आएगा ओके नाउ लेट्स गो अहेड ओके नाउ किरण टेल्स अमदर दैट आर फ्रेंड ईशा इज सैड बिकॉज शी doesn't हैव अ ब्रदर टू सेलिब्रेट रक्षाबंधन said किरन on Raksha Bandhan, we celebrate the bond of love apart from a brother there are other people you can celebrate it with said ma like a friend asked mira ma smiled yes or a sister or a plant or something or someone you care deeply about said mira वो कहती है उसकी मम्मी कहती है कि रक्षाबंधन कुछ नहीं होता इट्स जस्ट अ सेलिब्रेशन ऑफ अ बॉन्ड ऑफ लव एक बॉन्ड होता है अपने एक दूसरे के साथ जो हम एक अच्छा सा रिलेशन शेयर करते हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए रक्षाबंधन होता है तो जरूरी नहीं है कि आपका भाई हो आप अपने दोस्त के साथ अपनी मम्मी के साथ या जिस चीज से आप बहुत प्यार करते हो उसके साथ ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हो सो so, फिर किरण कहती है कि आई हैव एन आइडिया लेट्स इन्वाइट हर मोरो टू सेलिब्रेट रक्षाबंधन विन अस सेट किरण तो किरण कहते हैं कि क्या हम एक आइडिया आ गया हम ना ईशा को कल अपने घर पे बुला लेते एंड वील सेलिब्रेट रक्षाबंधन टुगेदर विथ हर वील टाई राखीस टू ईच अदर रोट मीरा Okay, and the next day, Isha came to their house with a ceremonial plate filled with rakhis, sweets, and diyas. They tied rakhis and promised to take care of each other. Thank you for making this raksha bandhan special for me, said Isha with a big smile on her face. Okay, you have ki that uh, uh, Meera aur Kiran ne Isha a special invitation card. Banaaya. It says, Dear Isha, we quarterly invite you to celebrate Raksha Bandhan with us at our home with love, Mira and Kiran. So, this card. ईशा को दिया और उसको अपने घर पे इनवाइट कर दिया और फिर उन्होंने एक दूसरे को राखी टाई किए और ईशा बहुत खुश हुई वो एक प्लेट एक सेरेमोनियल प्लेट जो आपकी मम्मी थाली लेके आते आती है जिसमें कुम होता है और फिर चावल के दाने होते हैं और फिर राखी होती है मिठाई होती है वो प्लेट वो ले कर आए और उन्होंने एक दूसरे को राखी टाई किया और रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया ईशा बहुत खुश हो गई ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है इसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत सी खुशियाँ आती है सो फ्रेंड्स एंड माई डियर चिल्ड्रेन इफ़ यू नो ऑफ एनी वन हु इज सैड ड्यूरिंग एनी फेस्टिवल प्लीज मेक एन एफर्ट एंड डू सेलिब्रेट दैट फेस्टिवल विद देम, ओके उनके भी लाइफ में थोड़ी सी खुशियाँ आने दो सेलिब्रेट करो खुश रहो और दूसरों को खुशियाँ बांटते रहो सो चिल्ड्रेन रीड द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ओके लर्न द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स Don't forget to learn the important words. And lastly, don't forget to do the back exercises.